पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला जमीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। Never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears, daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, looking puzzled in a daze. I know it's confusing you, daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Hi, mera naam Naveen hai
मैंने बेसिकली पपेट्स पिक्चर कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन में फिल्म मेकिंग का एडमिशन लिया हुआ है। मुझे जो रोल मिला था वो सिंगिंग का रोल मिला था, तो एज ए मेरा फर्स्ट टाइम रोल था सिंगिंग में। तो मुझे जो वहाँ पे स्टेज में जो मेरी परफॉर्मेंस थी, तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि मेरी आई कॉन्टेक्ट क्या होगी, बॉडी मूवमेंट क्या होगी, लिपसिंग मेरी कैसे रहेगी और माइक मेरा कहाँ पे आएगा, डिस्टेंस माइक से और लिपसिंग के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा। तो इस डायरेक्टर ने मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज दी है, तो मैं उनको तहे दिल से थैंक यू को बोलना चाहूँगा, जिनने मुझे एक बार मेरे एंगल्स शूट लिए और उनने बेसिकली मेरी काफ़ी हेल्प की शूटिंग में। और बेसिकली मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि एक लाइट्स की, तो मेरी आँखों में जब लाइट्स पड़ रही थी तो मुझे काफ़ी आइस में से वाटर सा ड्रॉप निकल रहा था, तो जब स्मोक फील हुआ था तो उसमें मुझे थोड़ा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी आई थी। तो बेसिकली मैं थैंक बोलना चाहूँगा पपेट्स पिक्चर कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिनने मुझे आप एक हिस्सा दिया आगे बढ़ने का, तो थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम प्रवेश दुबे है और मैं पपेट्स पिक्चर कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन में फिल्म मेकिंग मास्टर क्लासेस ले रहा हूँ। और हमने जो ये वीडियो शूट किया है जीना जीना सॉन्ग, तो इसमें मेरा जो रोल था एज अ प्रोड्यूसर मैंने इसमें काम किया है और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जैसे लाइट्स हो गई, प्रॉप्स हो गए, वीडियो में स्मोक लाना एंड काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। प्रॉब्लम भी हुई करने में काफ़ी और सीखने को भी मिला, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था ये हमारा, तो काफ़ी अच्छे से हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। और आई एम वेरी थैंकफुल कि पपेट्स पिक्चर कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन में मुझे रोल करने को मिला, ऐसा काम मिला मुझे, ऐसा बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज सिमिथांग अवंग, आई एम अ फिल्म मेकिंग मास्टर क्लासेस स्टूडेंट from Puppets Picture College of Mass Communication. The video that we shot recently, I played as a director for that music video. So it was hard for me because it was my first time taking the role as a director and yeah, no experience. And then we used whatever we learned to make this video possible. The hard thing for me was setting up everything, like with the help of our producer, setting up the lights because the location that we shot the video, it wasn't like as big as we expected, but yeah, like it came out well and then I'm proud to be a part of it. And then I want to thank the college, the institution, for giving us this opportunity and giving me the opportunity to play as a director. And I want to thank all the cast, the producer and the actors as well, and those who helped us. Yeah, that is all. Thank you so much for watching. Yeah, I'll see you next time.